खबर जयपुर से सामने, जहां आपको बता दें 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में बेरोजगारों के आंदोलन से जुड़ा यह मामला। देर रात उपेन यादव को हिरासत में लेने की सूचना कल ही उपेन यादव ने सीएम अशोक गहलोत के विरोध की दी थी चेतावनी, और फिलहाल दो दिवसीय गुजरात दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगार। मुख्यमंत्री के गुजरात जाने पर विरोध करने की दी थी चेतावनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री एक ओर गुजरात जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जहां 17 दिनों से बेरोजगार का आंदोलन जारी है और उपेन यादव को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते दिन ही गुजरात दौरे पर गए हैं। आज गुजरात में कई जगह उनके कार्यक्रम है। ऐसे में पिछले 17 दिनों से अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में डेरा डाले हुए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने चेतावनी दी थी कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात में विरोध किया जाएगा। लेकिन बीती देर रात उपेन यादव को हिरासत में लेने की सूचना है। हालांकि अभी तक पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उनको हिरासत में क्यों लिया गया है, लेकिन जो बेरोजगार हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगार वहां पर डटे हुए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उपेन यादव को जल्द ही रिहा नहीं किया जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी संख्या में